हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखदेव और आप देख रहे हैं मिक्स मैट 22 यूट्यूब चैनल। तो अगर आप यूपीआई मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल, अगर किसी भी कारण से आपका फ़ोन चोरी या गुम हो जाता है तो आप अपने यूपीआई मेथड को डिजेबल कर सकते हैं। मीन्स किसी भी तरह का यूपीआई मनी ट्रांसफ़र से अनहोनी होने से आप अपने अकाउंट को सुरक्षित रख पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूज़र के लिए बताऊँगा। तो आइए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको SBI के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना है। तो आपको गूगल में लिखना है SBI ऑनलाइन और फिर onlinesbi.com पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन पर और फिर कंटिन्यू टू लॉगिन पर, और यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और इस इमेज को इंटर करके लॉगिन के बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट समरी में enable/disable accounts for UPI, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड मीन्स ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटरनेट बैंकिंग का यहाँ पे इंटर करना है और सबमिट के बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आपका SBI में जो भी अकाउंट है, मेरा यहाँ पे सेविंग अकाउंट है तो इसको सिलेक्ट करके मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, जिसका मुझे UPI डिजेबल करना है। आपको जिसका UPI डिजेबल करना है वही अकाउंट सेलेक्ट करके आप सबमिट करें। तो देख सकते हैं मेरे इस अकाउंट नंबर में अभी UPI इनेबल है, इसीलिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो अगर मैं डिजेबल करना चाहता हूँ तो इस बटन को क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं अभी सिर्फ यहाँ पे डिजेबल हो पाएगा। आप देख सकते हैं इनेबल का बटन अभी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी आपको डिजेबल करके बताऊँगा। तो सेलेक्ट करके आपको सबमिट के बटन को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके अकाउंट का UPI डिजेबल हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक रेफरेंस नंबर मिला है और आपके बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज प्राप्त होगा। तो अभी देख सकते हैं इस अकाउंट का UPI डिजेबल है, मीन्स किसी भी तरह का UPI मनी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और ना ही आप उससे बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी का फ़ोन अगर चोरी या गुम हो जाए तो आप इस तरह से अपने UPI मेथड को डिजेबल ज़रूर करें, ताकि किसी भी तरह का अनहोनी होने से आप अपने अकाउंट को सिक्योर रख पाएंगे। और फिर आप उसी तरह से क्लिक करके UPI मेथड को इनेबल भी कर सकते हैं। तो फिर से आप यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करेंगे और सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे। फिर से अकाउंट सेलेक्ट करके सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी UPI मेथड डिजेबल है, मींस इनेबल के बटन को ही आप क्लिक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया, डिजेबल का बटन काम नहीं करेगा। तो चलिए इनेबल के बटन को क्लिक करके सबमिट के बटन को क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं आपका UPI पेमेंट मेथड आपके अकाउंट के लिए इनेबल कर दिया गया है, जिसका रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट के UPI मेथड को अपने अनुसार इनेबल या डिजेबल कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।